मकर राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों अब आप मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में 3 बड़ी और भयंकर घटना होने वाली है। जी हां दोस्तों, कलयुग में पहली बार इतनी बड़ी और भयंकर घटना होगी। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आने वाले 3 दिनों का समय आप सभी के लिए माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज का दिया हुआ सबसे बड़ा भाग्यशाली समय है। क्योंकि दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आपकी कुंडली में यह समय जो शुभ योग का निर्माण हुआ है वह पिछले 500 वर्षों के पहले हुआ था, और यह शुभ योग आपके जीवन को 1000 गुना ज्यादा चमका देगा। अपने अपने जीवन में नहीं सोचा था आपको वह सब कुछ मिलने वाला है। बस हम आप सभी से इतना कहना चाहते हैं कि आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इसे शुरू से लेकर अंत तक दीजिएगा। इस वीडियो को भूलकर भी अकेले में मत देखना, क्योंकि जो खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है सुनकर आप बेहोश हो जाओगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि समय और ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। अब इसका लाभ आप कैसे उठाएंगे यह आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह समय आप सभी की कुंडली में भगवान कुबेर महाराज और धन की देवी माता लक्ष्मी एक साथ विराजमान हो चुकी है, और आप सभी की कुंडली को एक बार फिर से लिखने वाले हैं। आपकी कुंडली में अब जितने भी अशुभ ग्रह हैं वह भी शुभ फल देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपके अच्छे कर्मों का घड़ा भर चुका है। अपने अपने जीवन में कभी भी बुरा भाव नहीं रखा है। आपका मन और दिल एक समंदर की तरह है। कोई आपके दिल को धोखा भी देता है तो आप चुपचाप सह लेते हो, लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहुत सरल स्वभाव के हो। आपकी राशि के लोग बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए हैं। वक्त आने पर आप सभी के मुंह बंद करने वाले राशि हैं, और अब आपका वक्त आ चुका है। अब एक बार फिर से आपका सोया हुआ किस्मत जगाने वाला है। मेरे दोस्तों हम आपसे भी को बता दें कि भगवान ऐसा समय सभी को नहीं देता है। अपने अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, दिन रात कड़ी मेहनत की है, तब जाकर आपको इतनी बड़ी सफलताएं मिलने वाली है। दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपकी तरक्की आपकी कामयाबी को देखकर आपका घर और परिवार खुशी से नाचने वाला है। क्योंकि दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी आपके साथ है, तो आप सभी का अब कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। पिछले समय आप बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, आपके दुश्मन आपकी पीठ पीछे हाथ धोकर पड़े थे, लेकिन दोस्तों अब आप सभी के दुश्मनों की अंतिम घड़ी आ चुकी है। अब उन सभी के जीवन काल में भूकंप आने वाला है। अब आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बस आप आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यह वीडियो नहीं, आप सभी के लिए रामबाण है। यह वीडियो आप सभी को जीवन को रंग से राजा की ओर ले जाएंगे। दोस्तों हम वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए रोजाना दिन और रात मेहनत करते हैं, और बहुत ज्यादा छानबीन करने के बाद हम आप सभी के लिए एक अच्छी जानकारी लेकर आते हैं, जिसे आप सभी का जीवन में बदलाव आ सके, जिसे आप सभी का जीवन पहले से बेहतर हो सके। और दोस्तों हम आपसे भी के लिए इन सभी के बदले कुछ भी नहीं चाहते, बस हम इतना चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों हम आप सुबह से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप हमारी इस भावनाओं को जरूर समझिएगा और चैनल से जुड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। आप हर रोज सोचते हैं कि हम सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप भूल जाते हैं, तो अभी आप तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माम लक्ष्मी जय कुबेर महाराज 5 बार लिख दीजिएगा। भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से आपका जीवन सफल जाएगा। जी हां दोस्त, आने वाले अगले 3 दिनों का समय आपके जीवन के 3 सबसे बड़ी और भयंकर घटना होने वाली है। पहले सबसे बड़ी और भयंकर घटना यह होगी कि जिन लोगों की जीवन काल में नौकरी और पैसों की कमी थी, उन सभी के जीवन काल में आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर अपार पैसा धन दौलत मिलने वाला है। और मेरा बेरोजगार लोगों को जो नौकरी की तलाश में पिछले कई समय से डर डर की ठोकरें खाते आ रहे थे,
अब उन सभी को मनचाही नौकरी मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, चाहे आप जिस भी पोस्ट में जाना चाहते हैं, जो आपके मन की इच्छा है कि हमें यह नौकरी मिल जाए तो हमारा जीवन संवर जाएगा। अब आपको वह नौकरी मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप सभी की कुंडली में यहां समय एक नहीं बल्कि दो बड़े देवी देवता विराजमान हैं और कुंडली में शुभ योग बने हैं, जिनसे आपकी यह इच्छा अगले 3 दिनों के अंदर पूरी होने वाली है। बस आप कार्यों के प्रति ईमानदार रहे और मेहनत करने में कोई भी कसर न छोड़े। सफलता कदम चूमेगी मात्रा आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर। जी हां दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी आप सभी के जीवन काल में मिलने वाली है, वह यह है कि अब आपको आपके शत्रु से मुक्ति मिलने वाला है। हम आप सुबह की जानकारी के लिए बता दें कि आप पिछले कई सालों अपने जीवन में शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपके जीवन में जो शत्रु है वह शत्रु कोई बाहर का शत्रु नहीं है, यह शत्रु आपके घर के ही है, जो आपकी अपने बनकर आपके सामने मीठी मीठी बोलते हैं, अपने चिकनी चुपड़ी बातों में आपको फंसा कर आपके भोलेपन का लाभ उठाते हैं, और जब उनका काम बन जाता है तब वह आपको छोड़ देते हैं, गड्ढे में धकेल देते हैं। दोस्तों, ऐसे शातिर और छुपे हुए गद्दार से अब आप सभी को मुक्ति मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज आप सभी के दुश्मनों पर हावी होने वाले, अब आप सभी के दुश्मनों के घर में पैसों की बहुत ज्यादा तंगी होने वाला है। अब माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज ने यह चीज ठान लिया है कि अब आप सभी के दुश्मनों को भिखारी बनकर ही छोड़ेंगे। उन्होंने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है, उन्होंने बहुत जगह पर आपको निराश किया है, अब उनको उनके किए की सजा मिलने वाला है। दोस्तों, बस हम आप सभी को बता दें कि अब आप अपने जीवन में ऐसा कार्य दोबारा मत कीजिएगा जिसे दुश्मन आपका फायदा उठाते हैं। तीसरा सबसे बड़ी खुशखबरी है प्रेम संबंध और पारिवारिक जीवन से जुड़े। जी हां दोस्तों, पिछले कई इसमें से जो लोग अपने पारिवारिक जीवन को लेकर तरह तरह की समस्याओं का सामना कर रहे थे, अब उन सभी लोगों को राहत की साथ मिलने वाली है। ये समय आप सभी का पारिवारिक जीवन पहले से 1000 गुना ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और जो लोग एक अच्छे पार्टनर की तलाश में थीं, जो चाहती थी कि उनके भी जीवन काल में सभी की तरह एक अच्छी ईमानदार पार्टनर जो उनके ऊपर अटूट विश्वास करें और वह भी उसके ऊपर भरोसा कर सके, दोस्तों अब ऐसा ही लव पार्टनर आप सभी को प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि ईश्वर के रचे हुए खेल को कोई समझ नहीं पाता है, आप क्या चाहते हो और क्या हो जाता है या समय पर पता चलता है, लेकिन एक बात तो तय है कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। जी हां दोस्तों, अब आप सभी के जीवन पहले से 1000 गुना ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो जीवन साथी आप सभी को मिलने वाला है या जीवन साथी 7 जनों से आपके साथ रहती आ रही है। जी हां दोस्तों, इनके आ जाने से आप सभी का जीवन बिल्कुल ही स्वर्ग जैसा हो जाएगा, आप सभी का घर फूलों की तरफ महकेगी। जी हां दोस्तों, उनके चरण ही कुछ अपने खास हैं, मानो माता लक्ष्मी आप सभी के घर में वास करने वाली हैं। जी हां दोस्तों, इनकी आ जाना चाहिए। आप सभी के परिवार में जो भी लोग जॉब और झगड़े का माहौल बन रहा था सब कुछ समाप्त होने वाला है। इनकी मधुर वाणी और अच्छे भाव से घर के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं, और आपका मान सम्मान पहले से 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों अब आप सभी को साथ देने वाला वह व्यक्ति आने वाला है जिसके लिए आप पिछले कई समय से ईश्वर से मन्नत मांग रहे थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाला अगले 3 दिनों का समय आप सभी के लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली समय साबित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि लक्ष्मी माता, लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज आप सुबह के जीवन में प्रसन्न हैं, इसलिए आप यश में कुछ गलती को भूलकर भी ना करें। तो सबसे पहले गलती यह है कि शाम होते ही आप सभी के घर में बहुत ज्यादा हल्ला होने लगता है दोस्तों, ऐसा माहौल आप अपने घर में बिल्कुल भी ना बनने दें, क्योंकि दोस्तों जिसके भी घर में ऐसा वातावरण होता है उसके घर से ईश्वर की शक्ति नाराज हो जाती है। जी हां दोस्तों, आप हमारी बातों को गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगले 3 दिनों का समय आपके लिए माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज का ही दिया हुआ वरदान है। यह समय आप इन गलती को भूल कर भी ना करें, अपने घर में शांति का माहौल बनाकर रखें, इससे दोस्तों ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास करेंगे, और दोस्तों माता लक्ष्मी को भी शांत वातावरण
बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए हम आप सभी से इतना निवेदन करते हैं कि अपने घर का माहौल अगले 3 दिनों में आप शांत बनाकर रखें। दोस्तों, अगला जो गलती है वह यह है कि जब भी आपके जीवन में कोई प्राकृतिक जीव जंतु दिखता है जिससे आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है, जैसे कि सांप, बिच्छू, चिट्ठी, छिपकली, इन सभी को देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराता है। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई सांप दिखाई दे दे तो आप उन्हें भगा दें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सांप को देखते ही तुरंत ही डंडा उठा लेते हैं और सांप को जान से मार देते हैं। दोस्तों, ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आपके घर में ऐसी घटना तभी होते हैं जब ईश्वर आपसे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जी हां दोस्तों, प्राचीन काल में भी ऐसी कई बार घटना हुई है जहां पर ईश्वर विराजमान होते हैं, वहां पर सांप, बिच्छू, अन्य सारे जीव ईश्वर के समक्ष आने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों, हम लोग कोई तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करने जाती है क्योंकि हमें पता है कि वहां भगवान है। इसी प्रकार दोस्तों, जब हमारे घर में ईश्वर आते हैं, भगवान आते हैं, तो हमें संकेत इन्हीं सभी चीजों से मिलते हैं कि हमारे घर के आसपास बहुत सारे प्राकृतिक जीव आ रहे हैं, तो ईश्वर हमसे प्रसन्न है। तो यह गलती आपको नहीं करना है। अगला गलतियां है जो आपको आपके शत्रु पर विजय दिलाएगा। वह गलती यह है कि दोस्तों, आप किसी के भी बातों में अब भरोसा ना करें। आंख मूंद कर भरोसा करना आप बंद कर दें, क्योंकि दोस्तों, अपने पिछले समय यह चीज देखा है कि जिसके ऊपर अपने आंख मूंद करके भरोसा किया था, उसी इंसान ने आपको सबसे ज्यादा बड़ा धोखा दिया है। दोस्तों, यह इंसान आपके साथ तब तक रहता है जब तक उनको आपकी जरूरत है। जब उनका जरूर पूरा हो जाता है तो वह इंसान आपको भूल जाता है। ऐसे इंसान का साथ अब आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको रिश्ता नाता बिल्कुल ही तोड़ देना है। दोस्तों, यदि आपका यह लोग अपने में ही है जिसे आप कह नहीं सकते हैं, तो आपको क्या करना है? क्या आप उनसे बात करना बंद कर दीजिए और धीरे धीरे आप उनके जीवन से दूर हो जाइए। इन्हें में आपकी भलाई अगला जो गलती है वह यह है, अब आपको अपने आदत में थोड़ा बदलाव करना होगा। जैसे कि पहले आदत, आपके अंदर दया का भाव बहुत ज्यादा है। कोई इंसान रोते हुए आपके पास अगर आ जाएगा और बोलेगा कि हमें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप आगे पीछे देखे बिना उन्हें पैसे दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, और जैसा होता है वैसा बिल्कुल भी नहीं देखा है। यानी कि लोग अपने चेहरे पर नकाब लगाकर चलते हैं। उन्हें पता होता है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। जब इंसान आपकी कमजोरी को पहचान जाता है तो आपके सामने आकर वैसा ही बर्ताव करता है जिससे आप भावुक हो जाएं, जिससे आपकी सोने की क्षमता कम हो जाए और आप बिना कुछ जानी पूछे उनकी बातों पर विश्वास कर लें। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमें जरूर बताइए कि आपकी जीवन में ऐसा घटना नहीं हुआ है। पिछले समय जहां पर कोई व्यक्ति आपसे अपने दुखों को सुनाकर आपसे पैसा मांगे हैं और आपने उनकी मदद भी किया है, और जब पैसे मांगने की बारी आ जाता है तो वह इंसान आपसे मुंह छुपाने लगते हैं और वह आपसे दूर भागने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा घटना हुआ है तो आप कमेंट कीजिएगा कि हां, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें यह बात पूरा पता है। हमने आपकी कुंडली का आकलन किया है कि आपको धोखा मिला है। जिनको आपने मदद किया है वह इंसान आपको हमेशा धोखा दिए। जी हां दोस्तों, इसलिए अब आप सभी को अपने जीवन में इन सभी बातों का ध्यान रखना है, और देखिए आप सभी का जीवन पहले से 1000 गुना बदल जाएगा। दोस्तों, अगले 3 दिन आप सभी का जीवन हीरे से कीमती बनने वाला है। यह समय 2 बड़ी दिव्य शक्ति आपके घर के चारों ओर घेरा लगाकर बैठे हैं। यह शक्ति कौन है और आपको क्या देना चाहती है, इन सभी के बारे में वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, और यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी 5 बार लिख दीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पिछले 5 साल से यह देवी आपके जीवन पर अपना नजर रख रही है, और इसका मुख्य कारण यह है कि आपका जीवन बहुत ज्यादा समस्याओं और संकटों से घिरा हुआ है, और यह देवी अब आप सभी को कुछ देना चाहती है जिससे आप सभी का जीवन बदल जाए, जिससे आपका जीवन पहले से 1000 गुना ज्यादा बेहतर हो जाए। क्या देना चाहती है?
इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। तो जो आपके जीवन में इतनी बड़ी सच्चाई बता दे, जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको भले ही इस बात की भनक नहीं होगी कि आपके जीवन में कई बार ऐसी घटना हुई है जब आप मरते मरते बचे हैं, जब आपके साथ में कोई नहीं था, जब आप बहुत ज्यादा परेशान थे, उसके बाद आपका जीवन धीरे धीरे कैसे बदला, कैसे आप धीरे धीरे अपने जीवन में वह सभी खुशियां प्राप्त किए जिसके लिए आप तड़प रहे थे। दोस्तों, इन सभी के पीछे इसी दिव्य शक्ति का हाथ है, जो दिव्य शक्ति आपके घर के चारों तरफ घूम रही है। दोस्तों, इसे नजरअंदाज करने की गलती मत करना। यह दिव्य शक्ति आपको बहुत बड़ा संकेत दे रही है। आप इन्हें जाने अनजाने नजरअंदाज भी किया, लेकिन अगर आप दोबारा इसी नजरअंदाज कर देंगे तो यह दिव्य शक्ति आपके जीवन से चली जाएगी, और अगर यह दिव्य शक्ति आपके जीवन से चली जाएगी तो आपके जीवन का विनाश होना निश्चित है। इसीलिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में आपको 5 सबसे बड़े संकेत मिलने वाले। यह संकेत आपको बैठे बैठे करोड़पति बना देगा। बस आपको इन्हें पहचाना होगा। कैसे पहचानेंगे, हम आगे इस वीडियो में आपसे भी कोई विस्तार से बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्कीप करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो जीवन भर पछताओगे। दोस्तों, सबसे पहले जो संकेत है वह है, आपके घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति कुछ मांगने के लिए आता है तो आप उसे खाली हाथ अपने घर से बिल्कुल भी नहीं भेजना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन सभी चीजों को मजाक समझते इसी नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह आपके जीवन का सबसे बड़ा भाग्यशाली समय होगा। यदि आप सक्षम हैं तो आप उसे अनुदान जरूर कीजिएगा, भोजन आदि जरूर करवाइए। लेकिन यदि आप सक्षम नहीं हैं, आपकी भी जीवन में दान देने की कोई वस्तु नहीं है, तो आप उनसे कह दे कि बाबा बाद में आएगा, अभी हमारे पास आपको देने के लिए कोई भी चीज नहीं है, और ऐसा कहकर ही आप उसे घर से भेजिएगा। यदि आप उसे नाराज कर देंगे, उसे नजरअंदाज कर देंगे, तो वह बाबा आपको श्राप दे देगा जिससे आप सभी का जीवन तबाह हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इसी नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि यह कोई मामूली बाबा नहीं, भगवान का भेजा हुआ एक संदेश है। आने वाली अगले 24 घंटे में जो दूसरा संकेत आप सभी को मिलने वाला है वह है किसी बच्चे को। जब भी आप देखेंगे तो आपके चेहरे को देखकर वह मुस्कुरा देगी, तो आपको समझ जाना है कि यह बच्ची के रूप में यह दिव्य शक्ति आपके घर आने वाली है। जब भी आपको ऐसा दिखे तो आपको अपने अंतर मन से माता रानी को प्रणाम करना है कि हे माता महालक्ष्मी, आपका हमारे घर में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इसे माता महालक्ष्मी आपके घर में विराजमान करेंगे। तीसरा जो संकेत है वह आया है कि सपने में आपको कोई चमकती हुई रोशनी दिखाई दे, जैसे कि दोस्तों जलता हुआ दीपक या सूरज की रोशनी, या फिर आप पूजा पाठ करते हुए सपना आता है, तो समझ जाना है इसे माता लक्ष्मी आपके जीवन में शीघ्र ही आपके घर आने वाली। और जब आपको ऐसा सपना आता है, उसकी सुबह ही उठकर नहा धोकर नाखून छुआकर किसी नजदीकी मंदिर में जाकर दीपक जरूर जलाइए, और माता के आगे अपने सर को झुककर माता रानी का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। अगला जो संकेत है वह है आपके मन का सकारात्मक होना। यदि दोस्तों आपका मन में ऐसा लगता है कि भगवान सच में आपको मदद करने वाले हैं, भगवान आपको कुछ बड़ा देने वाले, भगवान ने आपके दुखों को देख लिया है, अब आपका दुख खत्म होने वाला है, अगर ऐसा सकारात्मक भाव आपके अंदर आता है, आपका चेहरा पहले से बदल रहा है, पहले जहां आप उदास रह रहे थे और अब आपका चेहरा थोड़ा सा खिला खिला नजर आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर है। अब अगले 24 घंटे के अंदर ईशा देवी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, नए 24 घंटे आपके लिए खुशियों से भरे रहेंगे। आपके कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और आपके काम को उच्च अधिकारियों द्वारा मान्यता मिलेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए खुशखबरी लाएगा। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा और सभी सदस्यों के साथ आप समय बिताएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपको कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने के अवसर मिलेंगे। नए अवसरों का लाभ उठाएं और अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करें।
अगले 24 घंटे आपके लिए सुखद समाचारों से भरे रहेंगे। आपके काम की सराहना होगी और आपके प्रयासों का फल मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगा। परिवार के साथ समय बिताकर आप आनंदित होंगे और उनके साथ किसी खास योजना को अंजाम देंगे। आर्थिक रूप से समय लाभकारी रहेगा और आपके निवेश फायदेमंद साबित होंगे। यात्रा का योग है जो सुखद और लाभदायक रहेगा। आने वाले 24 घंटे आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको नए अवसर मिलेंगे और आपके काम की प्रशंसा होगी। परिवार में शांति और सुख समृद्धि का माहौल रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए लाभदायक साबित होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप नए निवेश के बारे में सोच सकते हैं। आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच आपको सफलता की ओर ले जाएगी। आने वाले 24 घंटे आपके लिए विशेष उपलब्धियों से भरे रहेंगे। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी और आपके काम की सराहना होगी। परिवार के साथ समय बिताकर आप आनंदित होंगे और उनके साथ कोई खास योजना बना सकते हैं। आर्थिक रूप से समय लाभकारी रहेगा और आपके सभी निवेश फायदेमंद साबित होंगे। किसी पुराने मित्र से मिलकर समय और भी खास बन जाएगा और आपके संबंध और मजबूत होंगे। अगले 24 घंटे आपके लिए नई संभावनाओं से भरे रहेंगे। आपकी रचनात्मकता और मेहनत का फल मिलेगा और आपके कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और सभी के साथ समय बिताकर आप आनंदित होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको निवेश के नए अवसर मिलेंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आने वाले 24 घंटे आपके लिए अत्यंत सकारात्मक रहेंगे। आपके कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और प्रमोशन के योग बन सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताकर आप प्रसन्न रहेंगे और उनके साथ किसी खास योजना को अंजाम देंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए निवेश के अवसर मिलेंगे। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके भविष्य की योजनाओं को गति देगा। आने वाले 24 घंटे आपके लिए उत्साहजनक रहेंगे। आपके कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन की सभी सराहना करेंगे। परिवार में शांति और सुख समृद्धि का माहौल रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी और पुरानी यादें ताजा होंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपको कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने के अवसर मिलेंगे। यात्रा का योग है जो सुखद और लाभदायक रहेगा। अगले 24 घंटे आपके लिए विशेष रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परिवार के साथ समय बिताकर आप आनंदित होंगे और उनके साथ किसी खास योजना को अंजाम देंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए निवेश के अवसर मिलेंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलकर समय और भी खास बन जाएगा और आप अपने भविष्य की योजनाओं को और भी सुदृढ़ बना सकेंगे। आने वाले 24 घंटे आपके लिए विशेष उपलब्धियों से भरे रहेंगे। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी और आपके काम की सराहना होगी। परिवार के साथ समय बिताकर आप आनंदित होंगे और उनके साथ कोई खास योजना बना सकते हैं। आर्थिक रूप से समय लाभकारी रहेगा और आपके सभी निवेश फायदेमंद साबित होंगे। किसी पुराने मित्र से मिलकर समय और भी खास बन जाएगा और आपके संबंध और मजबूत होंगे। अगले 24 घंटे आपके लिए नए अवसरों से भरे रहेंगे। आप अपनी मेहनत और लगन से किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल होंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सभी सराहना करेंगे और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परिवार में खुशी और शांति का अनुभव करेंगे और सभी के साथ समय बिताकर आप आनंदित होंगे। किसी खास व्यक्ति से मिलकर समय और भी खास बन जाएगा और आपके संबंध और मजबूत होंगे। आने वाले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही खास रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और प्रमोशन के योग बन सकते हैं। परिवार में खुशी और शांति का अनुभव करेंगे और सभी के साथ समय बिताकर आप आनंदित होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको निवेश के नए अवसर मिलेंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगी। अगले 24 घंटे आपके लिए अत्यंत शुभ रहेंगे। आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार के साथ समय बिताकर आप प्रसन्न रहेंगे
और उनके साथ किसी खास योजना को अंजाम देंगे। आर्थिक रूप से समय लाभकारी रहेगा और आपके सभी निवेश फायदेमंद साबित होंगे। यात्रा का योग है जो सुखद और लाभदायक रहेगा। आने वाले 24 घंटे आपके लिए नई संभावनाओं से भरे रहेंगे। आपकी मेहनत और रचनात्मकता का फल मिलेगा और कार्य क्षेत्र में आपकी सराहना होगी। परिवार में सुख समृद्धि का माहौल रहेगा और सभी के साथ समय बिताकर आप आनंदित होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए निवेश के अवसर मिलेंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके भविष्य की योजनाओं को गति देगा। अगले 24 घंटे आपके लिए खुशियों से भरे रहेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और आपके काम को उच्च अधिकारियों द्वारा मान्यता मिलेगी। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा और सभी सदस्यों के साथ आप समय बिताएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपको कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने के अवसर मिलेंगे। नए अवसरों का लाभ उठाएं और अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करें। अगले 24 घंटे आपके लिए उत्साहजनक रहेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन की सभी सराहना करेंगे। परिवार में शांति और सुख समृद्धि का माहौल रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी और पुरानी यादें ताजा होंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपको कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने के अवसर मिलेंगे। यात्रा का योग है जो सुखद और लाभदायक रहेगा। आने वाले 24 घंटे आपके लिए विशेष रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परिवार के साथ समय बिताकर आप आनंदित होंगे और उनके साथ किसी खास योजना को अंजाम देंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए निवेश के अवसर मिलेंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलकर समय और भी खास बन जाएगा और आप अपने भविष्य की योजनाओं को और भी सुदृढ़ बना सकेंगे। अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही खास रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और प्रमोशन के योग्य बन सकते हैं। परिवार में खुशी और शांति का अनुभव करेंगे और सभी के साथ समय बिताकर आप आनंदित होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको निवेश के नए अवसर मिलेंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगी। आने वाले 24 घंटे आपके लिए अत्यंत शुभ रहेंगे। आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार के साथ समय बिताकर आप प्रसन्न रहेंगे और उनके साथ किसी खास योजना को अंजाम देंगे। आर्थिक रूप से समय लाभकारी रहेगा और आपके सभी निवेश फायदेमंद साबित होंगे। यात्रा का योग है जो सुखद और लाभदायक रहेगा। आने वाले 24 घंटे आपके लिए नई संभावनाओं से भरे रहेंगे। आपकी मेहनत और रचनात्मकता का फल मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना होगी। परिवार में सुख समृद्धि का माहौल रहेगा और सभी के साथ समय बिताकर आप आनंदित होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए निवेश के अवसर मिलेंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके भविष्य की योजनाओं को गति देगा। अगले 24 घंटे आपके लिए खुशियों से भरे रहेंगे। आपके कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और आपके काम को उच्च अधिकारियों द्वारा मान्यता मिलेगी। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा और सभी सदस्यों के साथ आप समय बिताएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपको कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने के अवसर मिलेंगे। नए अवसरों का लाभ उठाएं और अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करें। आने वाले 24 घंटे आपके लिए उत्साहजनक रहेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन की सभी सराहना करेंगे। परिवार में शांति और सुख समृद्धि का माहौल रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी और पुरानी यादें ताजा होंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपको कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने के अवसर मिलेंगे। यात्रा का योग है जो सुखद और लाभदायक रहेगा। आने वाले 24 घंटे आपके लिए विशेष रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परिवार के साथ समय बिताकर आप आनंदित होंगे। दिव्य कृपा और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें दूसरों को नहीं देना चाहिए और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें अपने पास ही रखना चाहिए। यह जानना महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार की चीजें हमारे जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं। 5 चीजें जिन्हें हमें किसी को नहीं देना चाहिए। 1. कर्ज।
दूसरों को कर्ज देने से आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। यह संभव है कि जिस व्यक्ति को आपने कर्ज दिया हो वह उसे समय पर वापस न कर सके, जिससे आपके वित्तीय स्थायित्व में समस्या आ सकती है। 2. निजी जानकारियां। अपनी निजी जानकारियां जैसे बैंक खाते का विवरण, पासवर्ड, व्यक्तिगत दस्तावेज आदि किसी के साथ साझा न करें। यह आपकी सुरक्षा और गोपनीयता के लिए हानिकारक हो सकता है और आपके व्यक्तिगत जीवन में संकट उत्पन्न कर सकता है। 3. पारिवारिक समस्याएं। अपने पारिवारिक समस्याओं को बाहरी लोगों के साथ साझा करना अक्सर हानिकारक हो सकता है। इससे आपकी व्यक्तिगत और पारिवारिक गोपनीयता भंग हो सकती है और पारिवारिक समस्याएं और भी जटिल हो सकती हैं। 4. नकारात्मक भावनाएं और विचार। अपनी नकारात्मक भावनाएं और विचार दूसरों के साथ साझा न करें। इससे न केवल आपके मनोबल में कमी आ सकती है बल्कि दूसरों का भी मनोबल गिर सकता है। सकारात्मकता और खुशियों को साझा करना अधिक प्रभावी होता है। 5. महत्वपूर्ण निर्णय। अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में आकर न लें। यह निर्णय आपके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं और इन्हें आपको खुद के सोच समझकर ही लेना चाहिए। 2 चीजें जिन्हें अपने पास रखना चाहिए। 1. विश्वास और आत्मविश्वास। अपने विश्वास और आत्मविश्वास को सदैव अपने पास रखें। यह आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा और आपको कठिन परिस्थितियों में भी सही दिशा में ले जाएगा। आत्मविश्वास आपके व्यक्तित्व को मजबूती प्रदान करता है और आपके निर्णयों को सही दिशा में ले जाता है। 2. आध्यात्मिकता और आस्था। आध्यात्मिकता और आस्था को अपने जीवन में बनाए रखें। यह आपको आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। ईश्वर या किसी उच्च शक्ति में आस्था रखना, ध्यान और साधना करना, जब किसी दिव्य शक्ति की कृपा हमारे जीवन में होती है तो यह महत्वपूर्ण है कि हम कुछ गलतियों से बचें ताकि यह कृपा बनी रहे और हमें निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहे। यहां विस्तार से उन गलतियों का वर्णन है जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। 1. अहंकार और घमंड से बचें। जब हमें किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद मिलता है तो हमारे अंदर अहंकार और घमंड का आना स्वाभाविक हो सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि यह कृपा हमारे कर्मों का फल है और इसे विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। अहंकार और घमंड से दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद कम हो सकता है क्योंकि यह गुण दिव्यता के विपरीत है। 2. आत्ममुग्धता और आत्मसंतोष से बचें। दिव्य कृपा मिलने के बाद आत्ममुग्धता और आत्मसंतोष में न फंसें। हमें यह याद रखना चाहिए कि यह कृपा हमें अपनी मेहनत और प्रयासों को बढ़ाने के लिए मिली है, न कि आराम करने के लिए। आत्ममुग्धता हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है और हमें आलसी बना सकती है। 3. धर्म और नैतिकता से विचलित न हो। जब हमें दिव्य कृपा मिलती है तो हमें अपने धर्म और नैतिकता के प्रति सच्चे रहना चाहिए। धर्म और नैतिकता से विचलित होना दिव्य कृपा को खोने का कारण बन सकता है। हमें सदैव सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए और अपने कार्यों में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। 4. दूसरों की निंदा और आलोचना से बचें। दिव्य कृपा पाने के बाद हमें दूसरों की निंदा और आलोचना से बचना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति और प्रेम का भाव रखना चाहिए। निंदा और आलोचना करने से हमारी सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है और दिव्य शक्तियां हमसे दूर हो सकती हैं। 5. असंतोष और लालच से बचें। जब हमें किसी दिव्य शक्ति की कृपा मिलती है तो हमें संतोष और कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए। असंतोष और लालच हमें अपने वर्तमान आशीर्वाद का आनंद लेने से रोक सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे पास है वही हमारे लिए सबसे अच्छा है और हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। 6. आलस्य और विलासिता से बचें। दिव्य कृपा के बाद हमें आलस्य और विलासिता से बचना चाहिए। यह समय मेहनत करने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का है। आलस्य और विलासिता हमें हमारे लक्ष्यों से भटका सकते हैं और हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। 7. अन्याय और अधर्म के कार्यों से बचें। हमें सदैव न्याय और धर्म का पालन करना चाहिए। अन्याय और अधर्म के कार्य दिव्य कृपा को समाप्त कर सकते हैं।
हमें अपने कार्यों में सदैव न्याय और सत्य का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के अन्याय से बचना चाहिए। 8. कृपा का दुरुपयोग न करें। दिव्य कृपा को हमें सदैव सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। इसका दुरुपयोग हमें विपरीत परिणाम दे सकता है। हमें अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की मदद और भलाई के लिए करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। 9. विनम्रता बनाए रखें। दिव्य कृपा के बाद हमें सदैव विनम्र रहना चाहिए। विनम्रता से हमारे आसपास के लोग भी हमें आदर देंगे और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। हमें अपने सभी आशीर्वादों के लिए विनम्रता और कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए। 10. दूसरों की मदद करें। दिव्य कृपा का सबसे अच्छा उपयोग दूसरों की मदद करना है। हमें अपने संसाधनों और समय का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए करना चाहिए। इससे न केवल हमें आंतरिक शांति मिलेगी, बल्कि दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद भी बना रहेगा। 11. स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब हमें दिव्य कृपा मिलती है तो हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क ही हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। नियमित योग, ध्यान और स्वस्थ खान पान का पालन करें। 12. समय का सदुपयोग करें। दिव्य कृपा मिलने के बाद हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय का दुरुपयोग हमारे जीवन में अराजकता और असफलता ला सकता है। हमें अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करनी चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। 30. नियमित साधना और प्रार्थना करें। दिव्य कृपा को बनाए रखने के लिए हमें नियमित साधना और प्रार्थना करनी चाहिए। इससे हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी और हमें दिव्य मार्गदर्शन मिलता रहेगा। प्रार्थना और साधना से हमें शांति और संतुलन मिलता है, जिससे हमारा जीवन सुखद और समृद्ध बना रहता है। 14. सकारात्मक सोच बनाए रखें। जब हमें दिव्य कृपा मिलती है तो हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। नकारात्मक सोच और विचार हमें हमारे मार्ग से भटका सकते हैं और हमारे जीवन में अवरोध पैदा कर सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें ऊर्जा और प्रेरणा देती है। 15. आत्मनिरीक्षण करें। समय समय पर आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक है। हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्यों और मूल्यों के प्रति सच्चे रह रहे हैं या नहीं। आत्मनिरीक्षण से हमें अपने कार्यों और विचारों को सुधारने का मौका मिलता है और हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। 16. अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें। दिव्य कृपा मिलने के बाद हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना चाहिए। स्पष्ट लक्ष्यों से हमें अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित करने में मदद मिलती है और हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम दिव्य कृपा का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि दिव्य कृपा एक अनमोल उपहार है और इसे बनाए रखने के लिए हमें अपने विचारों, कार्यों और व्यवहार में शुद्धता और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए।